दावा करता हूँ पूरे YouTube के ऊपर आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी कि आप उमरे के लिए अगर जाएं तो खाना पाकिस्तान से आप पैक करवा के कैसे ले जा सकते हैं। उमरे के लिए 2 माह की एक्सपायरी देते हैं, 6 माह से 6 माह की विनती होती है। 2000 डब्बा एक टाइम में चलते हैं, कोई भी चीज हो हम पैक कर देते हैं। ये आपके सामने खुल के आ चुका है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि ये 1 माह पुराना खाना है। 4 से 5 लोगों की अगर फैमिली उम्रे पे जा रही है तो आप ये कंप्लीट पैकेजिंग अपने साथ ले जा सकते हैं। और ऑलमोस्ट 70 to 80,000 जो आपकी खाने की कॉस्ट है। ज्यादातर जाता है कि यूरोप मुल्क में, चाइना में एक टाइम में ये 3 से 4 लोग नॉर्मल खाने वाले खा सकते हैं। दाल माश पैक की गई है 400 ग्राम में और ये सारा होम मेड है, खाना मोस्टली फ्रेश हो, यानी 40 से 50,000 ये रिड्यूस होगा। उम्रे के लिए बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। खाना जब लेके आने हमारे पास ताज़ा गर्म फ्रेश होना चाहिए, फ्रोजन या ठंडा खाना हम पैक नहीं करते। ये हमने सेल्फ कुकिंग घर में की है। तो ये है आलू शिमला और चिकन का साग। ये देखें इनकी ये दाल चना बन के आई है घर से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ असावल बनाए और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 4 या 5 लोग उम्रे पर जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो है मैं एक बहुत ही मुफीद और बहुत ही अहम मालूमात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इस टाइम अपने फादर के साथ जो है अल फैसल फूड्स एंड कैनिंग पर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वो लोग जो शहर से बाहर, सूबे से बाहर और खासतौर पर मुल्क के बाहर जाना चाहते हैं, तो 3 वक्त का खाना जो है ये बड़ा मानी रखता है। शुमाली इलाके जात की सैर और सियाहत के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ उन्हें काफी कॉस्ट बियर करना पड़ती है खाना खाने, और बचत करने के लिए 2 टाइम खाना खाते हैं, 3रे टाइम को वैसे ही वो सैक्रिफाई कर जाते हैं। आजकल उमरा पैकेज के लिए, उमरा की अदायगी के लिए हाजी साहबान जायरीन जाते हैं तो खाना वहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। नॉर्मली जो 2 से 3 लोगों का पैकेज है तो 70 से 80 हज़ार रुपया खाने का बजट बन जाता है, वो भी अगर वो 2 टाइम खाएं तो। तो आज हम उनसे शेयर करेंगे कि वो खाना जो है वो अपने घर में पकाएं, एज यूजल रूटीन में जो पकता है, जो वो खाना चाहते हैं उसे पकाएं। पकाने के बाद फ्रेश फार्म में, मतलब कुकिंग के 1.5 से 2 घंटे बाद बाबा शाह जमाल शादमान के पास एरिया सुपरमार्केट शॉप नंबर 14 अल फैसल फूड, वहाँ पे आए और वहाँ पे उनको कैनिंग के लिए दे रहे। ये कैन आप देख सकते हैं इस तरह जो है, ये एक 800 ग्राम का उनका कैन होता है और ये एक 400 ग्राम का कैन होता है। ये 400 ग्राम का कैन जो है ये 2 लोग इजिली खा सकते हैं। अगर 2 लोगों के साथ एक छोटा बच्चा भी है 5 से 6 साल का, तो उनके लिए ये पैकेज काफी है। 3 से 4 लोगों के लिए ये 800 ग्राम का टिन पैक काफी है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने ये आलू शिमला और चिकन का सालन बनाया, चने की दाल का सालन बनाया, माश की दाल का सालन बनाया, कबाब मसाला सालन बनाया और चिकन कोरमा, इस सारे के ऊपर जो हमारी कास्ट आई है घर में वो तकरीबन आई है 10,000। अब हम यहाँ पे इसे ले आए कैनिंग के लिए, तो हमने कैलकुलेटेड किया कि जो हमारी कुकिंग कास्ट और कैनिंग कास्ट है ये सऊदीया में जो ओरिजिनल 70,000 से 80,000 खर्चा आया था उसका ये तकरीबन 30,000, यानी 40 से 50,000 ये रिड्यूस हुआ। ये 400 ग्राम का कैन है, ठीक है, ये 1 से 2 बंदे नॉर्मल खाने वाले टाइम में खा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को इसमें बड़ा साइज चाहिए हो तो आप बड़ा साइज भी प्रोवाइड करते हैं? जी जी, इसमें हमारे पास बड़ा कैन होता है 800 ग्राम का। अच्छा, ये होता है 3 से 4 लोगों के लिए टाइम में। ठीक है जी सर, 400 और 800 ग्राम की कैन आप प्रोवाइड करते हैं? जी ठीक है। आप किस किस्म के खाने पैक करते हैं? जी हमारे पास हर किस्म का खाना आता है, इसमें हम नहीं करते, सिर्फ दूध देने वाली कोई आइटम पैक नहीं करते, आटे मैदे वाली कोई आइटम पैक नहीं करते, और चीज़ वगैरह अंडा वगैरह ये चीज़ें पैक नहीं करते। बाकी सालन में कोई भी चीज़ हो हम पैक कर देते हैं। ज़्यादातर लोग जो आपसे खाना पैक करवाते हैं वो मोस्टली किन ममालिक में लेकर जाते हैं? ज़्यादातर जाता है कि यूरोप मुल्क में, चाइना में या सैर तफरी के लिए जो लोग जाते हैं वो पैक कराते हैं। उम्रे के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं आज उम्रे के लिए। इसके अलावा हमारे अपने लाइव खाने भी होते हैं, निहारी, मगन मसाला, चिकन हरीसा, बीफ हरीसा, पालक गोश्त, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये हमसे लोग ऑर्डर करके ऑर्डर देते हैं, हम तैयार करके इनको पैक करके भी देते हैं। हमें लोग ऑर्डर देते हैं खाने के लिए, वो हम तैयार करके लाइव, ये मेन्यू है हमारा, इसमें हम तैयार ऑर्डर देते हैं हमें लोग, और हम तैयार करके उनको पैक करके भी देते हैं। अच्छा, पैकिंग के साथ साथ खाने की भी सर्विसेज जी, जी ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई आपसे खाने की सर्विसेज ना लेना चाहे, सिर्फ पैकिंग करवाना चाहे, वो उनकी मर्जी है सर। हमारे 2 रेस्टोरेंट है, एक शाहजमाल में है, एक कदाफी स्टेडियम में। लाइव खाने बनते हैं, ताज़ा फ्रेश बनते हैं और ताज़ा बन के पैक होते हैं। लोग हमें ऑर्डर देते हैं, हम उनका लाइव बना के, ताज़ा बना के पैक करते हैं।
हमारा ये बिजनेस माशाल्लाह पिछले 28 साल से हम कर रहे हैं, आज तक माशाल्लाह कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई, कोई ऐसा मसला नहीं आया। हर बंदा हमारे पास दूसरे लोगों को भी साथ लेके आता है। बल्कि तो व्यूअर्स जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फ्रेश मील, मतलब ताज़ा खाना। ये हमने सेल्फ कुकिंग घर में की है, इसी तरह उसी बर्तन के अंदर आप ला सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ऑयल की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, वो कैनिंग में यूज़फुल होती है। खाने में दही टमाटर का कम इस्तेमाल करें और ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने को 90% पका लें, 10% कच्चा छोड़ दें जी। खाना जब लेके आना है हमारे पास ताज़ा गर्म फ्रेश होना चाहिए, फ्रोजन या ठंडा खाना हम पैक नहीं करते। तो ये है आलू शिमला और चिकन का साग जी, ऐसे ये 900 ग्राम से ही रहेगा कि 400 ग्राम से ही रहेगा, ये आपने डिसाइड करना है, लोग कितने इस्तेमाल करने हैं। इसी में डाल दें जी। ये इस वक्त टिक्का के मसाला कबाब की पैकिंग हो रही है। अच्छा ये 900 ग्राम में पैक कर, 800 ग्राम जी सर। क्यों दरअसल ये 400 ग्राम का पैक आप लोगों के लिए कम पड़ जाएगा, क्या ख्याल है? तो उसके लिए ये आप 800 ग्राम का पैक करो। 800 ग्राम जो है वो 3% के लिए सर्विंग में काफ़ी है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक टाइम में ये 3 से 4 लोग नॉर्मल खाने वाले खा सकते हैं। ठीक है, इस टाइम छोटे में 1 से 2। ये दाल वाश पैक की गई है 400 ग्राम में, और ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाया जा सके तो ये है मसाला कबाब और ये सारा होम मेड है। हम इस वक्त अल फैसल फूड शाह जमाल सुपर मार्केट की शॉप नंबर 14 पे हैं। ये हम सर्व कर रहे हैं। अब हम 800 ग्राम का पैकेट जो है मसाला कबाब के लिए पैक करवा रहे हैं। यहाँ पे हर किस्म का खाना पैक किया जाता है, मास्वाइड डेयरी के आइटम से। आप डेयरी के आइटम पैक करने के लिए ला सकते हैं, और दही दूध मक्खन बेसन वगैरह, बाकी आप बारबेक्यू फ्राइड चिकन, चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाही, किसी किस्म की भी दाल पंस आप यहाँ पे पैक करवा सकते हैं। अच्छा उसके लिए एक कंडीशन है, उसे नोट कर लीजिएगा कि खाना मोस्टली फ्रेश हो, मतलब आपने घर में कुक किया है तो अगले 1.5 से 2 घंटे तक इनके पास आप पहुँचा दें। और हमारे बर्तन के बीच में लेके आए ताज़ा और फ्रेश जो है ना खाना, ये 2 माह की उम्र के लिए, 2 माह की एक्सपायरी देते हैं, वैसे 6 माह की भी होती है कम। बहरहाल आप उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7 दिन 15 दिन 21 दिन ले जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी एक्सपायरी है। तो जो 400 ग्राम का पैक है वो 2 से 3 लोग उसे इंजॉय कर सकते हैं। 800 ग्राम का जो पैक है वो 3 से 4 लोगों के लिए सर्विंग में काफ़ी बेहतर है। तो आप आए इनसे कहना चाहें, मोस्टली 60% जो आपका बजट जो है खाने का वो रिड्यूस हो जाता है अगर आप यहाँ से पैक करवा सकते हैं। ये देखें इनकी ये दाल चना बन के आई है घर से, ताज़ा फ्रेश और बड़ी मज़ेदार है माशाल्लाह। इसमें जब गरम गरम खाना पैक किया जाता है तो अपनी गर्मी कब तक बरकरार रखता है? तो आप जो पूछना चाह रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितने अर्से तक मेंटेन, असल में ये मान नहीं रखता। इनकी फ्रेश की डिमांड ये होती है कि कस्टमर का खाना मॉर्निंग में बना इवनिंग को आ गया, इवनिंग में बना नाइट पे चला गया, ताकि उसकी जो ना उसमें स्टेनलेस ना आ जाए, फ्रेशनेस बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए ये डिमांड करते हैं कि खाना फ्रेश आए। अभी आप देखें कि हम लेके आए हैं तो हम बर्तन को टच कर सकते हैं, ये देखें, मतलब ये कि आप इस हद तक गर्म है कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो फ्रेश डिमांड का मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि खाना अभी ताज़ा घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर बना रहे हैं। ये आप बोनलेस क्वांटिटी में लाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी आपकी कैन के अंदर आएगी, हड्डी वाला हो तो क्वांटिटी कम आती है। सो गाइस आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम कैनिंग की जा रही है और प्रॉपर सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। इन्होंने अपनी हाइजीन जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखी है। बॉक्सेस को इन्होंने निकाला है, बॉक्सेस भी जो थे पूरी तरह पॉलीथीन की शीट्स में कवर्ड थे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई और सुथराई के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। ये इनका छोटा सा किचन है जहाँ ये सारी पैकिंग करते हैं। जब आप यहाँ सारी पैकिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या मरहला होता है आप लोगों का? ये चला जाता है जी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में। ठीक है जी, उधर क्या होता है? ये उधर ऑटो प्लांट है हमारा लगा हुआ, जिसमें कन्वेयर एक चलती है जिसमें 1000-2000 डब्बा एक टाइम में चलता है। ठीक है जी, उसमें टेम्परेचर दे के हाई लेवल का टेम्परेचर देते हैं और उसके बाद इसको पैक किया जाता है। टेम्परेचर क्यों देते हैं आप इसको? इसको वैक्यूम एयर टाइट करने के लिए, जब वैक्यूम एयर टाइट करते हैं इसमें बैक्टीरिया जरासीम होते हैं उनको किल किया जाता है। सो गाइस आप ये देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के खाने, और ये 400 ग्राम और 800 ग्राम के डिफरेंट पैकिंग में जो है इन्हें पैक किया जा रहा है। तो ये आप 4 से 5 लोगों की अगर फैमिली उम्र पर जा रही है तो आप ये कंप्लीट पैकेजिंग अपने साथ ले जा सकते हैं, और ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 जो आपकी खाने की कॉस्ट है वो सिर्फ आपके टिन जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको शायद ही इस तरह की कोई पहले वीडियो मिले जिसमें आपको ये बताया गया हो कि उम्रे पर जाने के लिए आप पाकिस्तान से फूड अपना साथ किस तरह लेकर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल एंड तक देखें और इस पर अपनी जो सपोर्ट है उसका इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो शायद ही देखने को मिले।
जैसे ये देखें जी इनका, कहते हैं लोग कहते हैं इनका नाम हमें कैसे पता चलेगा, ये एटम क्या है, अंदर क्या है। इसका ये कैप है, इसके ऊपर हम नाम लिखेंगे। ये दाल मैश है, जैसे इनकी ये कैप के ऊपर हम लिख रहे हैं दाल मैश, ठीक है जी। ये इसका निशानी ये है कि दाल मैश इसके अंदर मौजूद है। ये देखें जी, ये दाल मैश के ऊपर हम लगा रहे हैं, ये दाल मैश है। इस तरह लोगों को हम बताते हैं, ये हर आइटम का नाम हम ऊपर ढक्कन के लिखते हैं। ये आगे आ गया क्वा मसाला, ये देखें ये इनका आ गया क्वा मसाला, ठीक है। इस तरह इन लोगों को पता चलता है इसके अंदर डब्बे के अंदर क्या आइटम है क्या नहीं है। जी सर, हमारी दुकान के टाइमिंग है सुबह 10 से लेके 3 बजे तक हम ऑर्डर रिसीव करते हैं। सेम डे अगर किसी को वापसी चाहिए हो तो रात 9 से 9:30 बजे हम सेम डे वापसी भी करते हैं, वरना दूसरे दिन नॉर्मल रूटीन में हम दूसरे दिन भी वापसी करते हैं। 3 बजे के बाद हम ऑर्डर नहीं रिसीव करते। वीडियो के आखिर में हम इनसे इनका एड्रेस जान लेते हैं, क्योंकि जो हजरात हमारे इस वीडियो को देखकर इनसे राबता करना चाहते हैं, अपना खाना पैक करवाना चाहते हैं, तो हम इन्हीं से इनका एड्रेस पूछ रहे हैं। तो सर अपना काइंडली एड्रेस बता दीजिए। सुपर मार्केट बाबा शाजमाल में हमारी शॉप है, शाजमान एरिया है ये, इसमें आती है ये दुकान। 13-14 नंबर हमारी दुकान है, अल फैसल फूड के नाम से मशहूर है। गूगल में भी आप सर्च करेंगे www.com अल फैसल फूड, तो उसमें भी हमारा पूरा एड्रेस आएगा जी। अपना मोबाइल नंबर भी बता दें, ऊपर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ये भी जी बता देते हैं। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, वैसे भी बता देता हूँ 0300-430-TETRA-6। सो गाइज, आप देख सकते हैं खाना ये हमने कल पैकिंग के लिए दिया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सारा खाना जो है वो टिन में पैक करवा के लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को अब मैं एंड करना चाहूंगा, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको सारा प्रोसेस जो है एक दफा ब्रीफली बयान कर देता हूँ। तो ये जी वो सारा खाना है जो हमने साथ लेकर जाना है, ये ऑलमोस्ट 30 से 35 कैन है, ठीक है। खाना फ्रेशली घर में कुक किया था, और कुक करने के विद इन 2 or 3 आवर्स हम उनकी ब्रांच में चले गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि इसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है। टाइम की क्लियर की वजह से हम फैक्ट्री वाला सीन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सके, क्योंकि हमने अपनी पैकिंग करनी थी, हमारी 2 दिन बाद फ्लाइट है, तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाना था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्ट्री में क्या होता है। जब खाना उनका जो शॉप है, उनका जो आउटलेट है, वो पैक करके पीछे फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं, वहाँ एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है, जिसमें हाईली क्वालिफाइड स्टाफ के सुपरविजन के अंदर इस खाने को पैक किया जाता है। प्रोसीजर ये है कि 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट करते हैं, इसके जो बैक्टीरिया होता है उसको मार दिया जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको वैक्यूम सील कर दिया जाता है। और जो सबसे हैरान कन बात है वो ये है कि इसकी एक्सपायरी जो है पूरे 5 माह है। आप देख सकते हैं 4 मई 2023 को हमने ये पैकिंग करवाई है, और 4 अक्टूबर 2023 तक की इसकी पैकिंग है। ये सबसे हैरान कन बात है, और ये पैकिंग भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोफेशनल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको पैक किया गया है। सबसे पहले इस लिड को उतारा जाता है, उसके बाद ये देखें ये वैक्यूम सील लगी हुई है। अब सबसे मजे की बात ये मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि अब इस खाने को इस्तेमाल कैसे करना। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद इसको अब निकाल के किसी बर्तन में डाल के हीट करना पड़ेगा, या इसे ओवन में गर्म करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है, आपने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, इसको आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है, रूम टेम्परेचर पर रख लें, अपने किसी सेफ में रख लें, अपने लगेज बैग में रख लें, लेकिन फ्रिज में या फ्रीजर में आपने कभी भी इसको नहीं रखना, ये खराब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है, आपने सबसे पहले इसको जो है इसको अनलिड कर लेना, इसकी लिड को उतार देना। ये प्लास्टिक की लिड है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने लगाई है। मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है उनका इसको पैक करने का, प्रॉपर जो हाइजेनिक कंडीशंस होती है वो उसको मेंटेन करके इसको तैयार करते हैं। लिड उतार के आपने रख लेनी है, अब किसी ओवन में नहीं आपने इसको डालना, आपने सिर्फ एक केटल लेनी है, जो कि इलेक्ट्रिक केटल डेफिनेटली आप उधर यूज करेंगे चाय बनाने के लिए, उसका साइज काफी अच्छा खासा होता है। उसमें आपने पानी डालना है, उस पानी को आपने बॉईल करना है, और इस कैन को आपने उसके अंदर 15 मिनट के लिए डिप कर देना है। 15 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर के अंदर जब आप इसको डिप कर देंगे तो आपका खाना जो है बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और जब आप फिर इसको ओपन करेंगे तो डेट वुड बी जस्ट लाइक आपने इसको फ्रेशली कुक किया है। तो ये सबसे आसान तरीन तरीका है इस खाने को कंज्यूम करने का, गर्म करने का। इसको किसी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, किसी ओवन में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कैन को आप ये पेपर उतार कर इसको उबलते पानी में आप 15 मिनट के लिए रखने, और 15 मिनट के बाद ये ऐसे गर्म होकर तैयार हो जाएगा कि जैसे आपने अभी अभी इसको फ्रेशली बनाया है। जो सबसे मजे की बात है मैं फिर बताता चलूं कि इसकी 5 माह की एक्सपायरी है। सो गाइस, अभी मैं आपको जो है एक बॉक्स खोल के दिखाता हूं कि उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये 4 तारीख को बनवाए थे, 4 मई को, तो उम्र हज की वजह से ना हमारा जो था उम्र का प्लान कैंसिल हो गया था, हमारा वीज़ा इशू नहीं था हुआ, तो इस वजह से आप देख सकते हैं हमारा सारा खाना जो है ना पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं कि आज मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम 30 मई है और 1:30 बज रहा है, और ये हमने 4 मई 2023 को आप देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग करवाई थी। आप इसे छुरी से पील कर सकते,
सकते हैं, आप अपने नाखून से उतार सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैसे गर्म कर सकते हैं। आए गर्म पानी लिया है हमने, ठीक है, तो गर्म पानी को हमने इस तरह के खुले से बर्तन में डाल लेना है और उसके बाद जो है हमने इसको इसमें इस तरह डिप कर देना है ध्यान से। आपने पानी इतना डालना है कि ये जो कैन है ना आपकी, ये जो टीम कैन है, ये उसके अंदर पूरी तरह डिप हो जाए। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। कम से कम हमने इसको 15 मिनट जो है ना गर्म पानी के अंदर उबालना है। सो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे पानी से निकाल लिया, उबलते पानी में 15 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था। कोरमे का बॉक्स है, ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए कैन को मैं खोलने लगा हूँ, इसके ऊपर ये ओपनर दिया गया है, तो कोशिश करते हैं कि ये किस तरह खुलेगा। तो एक मिनट देख रहा हूँ, ये देखिए गाइस तो ये ओपन हो चुका है, तो फिर अब ध्यान से इसको खोलना पड़ेगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये टूट चुका है, तो अभी हम इसे किसी और तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं। ये तो टूट चुका है लेकिन अभी ओपनर मंगवाया है हमने, ओपनर आ रहा है, इसे ओपनर के साथ खोलने की कोशिश करते हैं। ये देखो दिखाओ। सो गाइस आप ये देख सकते हैं कि छुरी को आपने उसके कॉर्नर पर साथ साथ रख के ना इस तरह घुमाना है। अगर आपका ये ओपनर टूट जाता है तो इस तरह आप छुरी को जो है कोई छुरी ले लें या कोई चम्मच ले सकते हैं जो थोड़ा मजबूत हो, उसको इसके इर्द गिर्द आप घुमाएंगे तो ये देखें ये खुल जाएगा। थोड़ा सा इसको खोलते हैं, बाद में इसको हम पील कर लें। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से इसकी पैकेजिंग जो है वो खुल चुकी है। इसको इस तरह मैं ऊपर को थोड़ा खींच लेता हूँ, तो गाइस ये देखें ये आपके सामने खुल के आ चुका है। ये देखें अब मैं चिकन कौरमे का साल है, ये देखें ये अब मैं बर्तन में ढेरने लगा हूँ आपके सामने। गाइस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि ये एक माह पुराना खाना है। इसकी जो खुशबू इस टाइम मुझे आ रही है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये इसे अभी अभी कुक किया है, ये आप देख सकते हैं उसी तरह टेंडर है, बिल्कुल टेंडर है और अभी तक काफ़ी गर्म है। ये देखें तो ये देखें ऑयल हमने ज़्यादा रखा हुआ था जैसा कि वीडियो में आपको बताया। तो ये देखें ये खाना बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपके सामने इस टाइम आ गया है। ये मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे तरह ये अभी 10 मिनट पहले ही कुक किया गया। तकरीबन हमने जो है ना ये 27 या 28 दिन बाद खाना खोला है, तो वैसे ही निकल के आया है। ऐसी वीडियो या ऐसा एक्सपेरिमेंट शायद ही आपको YouTube पे देखने को मिला हो कि खाना उन्होंने प्रिजर्व किया हो, उसके बाद एक माह के लिए रखा हो। तो यही वजह थी कि ये वीडियो एक माह बाद हमने अपलोड की है। आप जब फैमिली में उम्र वगैरह प्लान करते हैं तो ऑलमोस्ट सिस्टम जो पैकेज आ रहा है 2.5 से 3 लाख का पैकेज आता है, तो उसके अलावा भी आपको एक शख्स के लिए एटलीस्ट कम से कम 1.5 लाख दरकार होता है। उस 1.5 लाख के अंदर आप भी खाते हैं, उस 1.5 लाख के अंदर आप शॉपिंग भी करते हैं और उस 1.5 लाख में से आपने बचा के पाकिस्तान भी लाना होता है। तो अगर आपका खाने का खर्चा जो ये कैंस हैं ये ऑलमोस्ट 70-80% रिड्यूस कर देते हैं। आपकी एक फैमिली की कॉस्ट जो है, एक फैमिली जिसके अंदर 2 बच्चे और 3 एडल्ट होंगे, उसके लिए कम से कम 20-25,000 दरकार है और 20-22 दिन का खाना जो है आप आसानी पैक करके इन कैंस में ले जा सकते हैं। डिफरेंट चिकन की डिशेज है इसके अंदर, डिफरेंट सब्जियां हैं, ठीक है, सारी हमने घर में तैयार की है। और इसका फायदा जो अब हमें जो होगा वो ये है कि वहां जाकर हमें जो है खाने पे पैसे स्पेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां कभी दिल कर लेता है इंसान का कुछ डिफरेंट खाने को तो वो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ जो हमारे फूड का है वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। आप लोगों में से जो लोग परेशान है कि इसको कैरी किस तरह किया जाएगा, इसको साथ किस तरह लेकर जाएंगे, तो वो उनको मैं बताता चलूँ कि हम जो है वो एयर ब्लू के थ्रू जा रहे हैं। एयर ब्लू एटलीस्ट जो है 60 kg जो है लगेज अलाउ करता है, तो हमारे पास हम जो है 5 लोग होंगे तो 5 टिकट से हमारे पास ऑलमोस्ट 300 kg की इजाजत है, लेकिन ये हार्डली 25 kg से एक्सीड करता है। तो हम जो है अपने लगेज में थोड़ा थोड़ा जो है 5 से 6 किलो डिवाइड कर लेंगे ताकि 4 डिफरेंट लगेज बैग्स में जो है ये खाना आ सके। तो इसको आप आसानी जो है लगेज में लेकर जा सकते हैं। इन कैंस को आपने हैंड कैरी में बिल्कुल नहीं रखना, इन कैंस को आपने अपने लगेज बैग्स में लेकर जाना है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान, बोर्डिंग के दौरान जो है आपको कोई मसला दरपेश ना आ सके। हमने बिल्कुल कन्फर्म किया हुआ है, हम ये लेकर भी जाएंगे, आप भी लेकर जा सकते हैं बिना किसी मसले के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप पैकेजिंग देख सकते हैं, एब्सोल्युटली हलाल है, उस पर डायरेक्शंस फॉर यूज है, उस पर उसकी एक्सपायरी है और बकायदा उन्होंने मार्कर से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस फूड के अंदर क्या है, इस कैन के अंदर क्या है। ये वन ऑफ द बेस्ट, द मोस्ट अफोर्डेबल तरीका मैंने आप लोगों को बताया है और ये तरीका मैं दावा करता हूँ पूरे YouTube के ऊपर आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी कि आप उम्रे के लिए अगर जाएं तो खाना पाकिस्तान से आप पैक करवा के कैसे ले जा सकते हैं। ये लाइव एग्जांपल है, लाइव प्रूफ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। हमने खाना घर में पैक किया है, हमने पैक करवाया, बाद में सारा कुछ कुक किया हमने। सो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों को मद्देनजर रख के बनाई गई है ताकि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जो हमारी पाकिस्तानी फैमिली
कंट्रीज हैं वो जब भी उमरे के लिए जाएं, बल्कि उमरे के अलावा भी अगर आप किसी और टूर के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और आपके पास बजट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप खाना पैक करके ले जा सकते हैं। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ये मेथड जो है खाने की प्रिजर्वेशन का और पाकिस्तान से खाना बाहर किस तरह ले जाया जा सकता है, आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर ये मेथड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी इस वीडियो से इम्प्रेस हुए हैं, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, ताकि हमें भी दुआएं मिल सकें, आप लोगों की भी दुआएं मिल सकें। और अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी इस छोटी सी काविश की वजह से आप लोगों के कुछ पैसे बच सकते हैं, किसी वीडियो जो वीडियो देखता है वो अपना खाना साथ ले जाता है, उसके पैसे बच सकते हैं, वो पैसे किसी अच्छे काज में इस्तेमाल कर सकता है, तो ये एक सदका जारी है। तो काइंडली ऐसी वीडियोज़ को लाजमी शेयर किया करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और लोग जो है एक दूसरे को इस तरह बेनिफिट पहुँचा सकें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।